हाउ टू चूज अ क्रिकेट एकेडमी, इस टॉपिक से पे मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि बजट वाली एकेडमी बताइए या कुछ ऐसे प्लेयर्स की एकेडमी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अपनी फ्रेंचाइजी आज खोल कर देख रहे हैं ना। आपने काफ़ी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जो एक्स क्रिकेटर है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, उनकी भी काफ़ी फ्रेंचाइजी बेस्ड एकेडमी है, तो वो आप काफ़ी इंटरेस्टेड है उनके में, उस एकेडमी में जाए या नहीं जाए। तो मैं आज उसी पे बात करूँगा कि एकेडमी चूज़ करते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए और इन एकेडमीज़ में आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई क्रिकेट एकेडमी है, आपका बेसिक नहीं क्लियर हुआ है, आपकी एज 15 साल के नीचे है, तो बेझिझक आप आँख बंद करके आपके नियर बाई जो एकेडमी है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर कराना है, ठीक है। जो 1 लाख वाली एकेडमी बेसिक क्लियर कराएगी, वही 1,000 रुपये वाली भी एकेडमी बेसिक क्लियर कराएगी। मैं 15 साल के नीचे जितने प्लेयर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका बच्चा, अगर आप एज अ गार्जियन देख रहे हो आपके आसपास कोई ठीक ठाक एकेडमी है, तो बेसिक आप वहाँ से क्लियर कराएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एकेडमी चूज करते वक्त मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं कर रहा हूँ, फैसिलिटीज़ और मैच ग्राउंड का आप कोशिश ये करें, आपकी पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि मैच ग्राउंड भी एकेडमी के पास हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी एकेडमी है जिनके पास मैच ग्राउंड नहीं है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद मैं भी बता दूँ कि मैच ग्राउंड मेरे पास, जब एकेडमी स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में मेरे पास मैच ग्राउंड था, उसके बाद 2 साल विदाउट मैच ग्राउंड का मैं भी रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके की प्रैक्टिस, जिस तरीके से मैं बच्चों को करा सकता था मेरा जब मैच ग्राउंड था, तो वो लैक दिखा मुझे खुद में। मैं आपसे भले इस वीडियो में जरूर, मैं अपनी भी रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं 2023 लास्ट में मैच ग्राउंड कंप्लीट कर पाया हूँ अपना दूसरा वाला, तो ठीक है ना। तो आप ये कोशिश करें कि मैच ग्राउंड हो, प्रैक्टिस के साथ साथ हफ्ते में एक मैच जरूरी है किसी भी प्लेयर का, क्योंकि प्रैक्टिस में वो चीज़ें आप नहीं कवर कर पाते जो मैच में आपको कवर करना होता है। दूसरी चीज़, आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंचाइजी बेस्ड, जैसे काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी एकेडमी इस समय चल रही है उनके नाम से, तो देखिए उस एकेडमी को आप तभी ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, लेकिन आपका बजट हो तब, आपका बजट हो। किस लिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक चीज़ ये सोचिए, दो चीज़ आप ध्यान दीजिए ऐसी एकेडमी में ज्वाइन करते वक्त, कि जो जिस प्लेयर का नाम देखकर आप उस एकेडमी में जा रहे हो, उस एकेडमी में वो प्लेयर मुश्किल से साल में 2 दिन या 3 दिन आएगा, और आप ये सोच के जा रहे हो कि हमको वो प्रैक्टिस कराएंगे, तो उनके नाम से वो एकेडमी चल रही है, वो वहाँ साल में 1 बार 2 बार 3 बार उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और वो जो मुश्किल से, आप ये समझ लीजिए कि वो साल में अगर आपको टाइम देंगे तो 1 हफ्ते का टाइम देंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हो उस क्रिकेटर की एकेडमी में आप जा रहे हो उसके नाम से है, तो वो आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा, तो नहीं मिलेंगे, वो हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं। और फ्रेंचाइजी बेस्ड एकेडमी होते हैं, सपोज कीजिए उस क्रिकेटर के नाम से कोई दूसरा एकेडमी चलाता है, उस क्रिकेटर को उस एवज में उनका फ्रेंचाइजी और रॉयल्टी यूज करने के लिए पैसा दिया जाता है, मोटा पैसा। अब सपोज कीजिए जितने भी एक्स क्रिकेटर चला रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर अपने नाम से, उनकी एकेडमी कोई भी, मैं भी खोल सकता हूं अगर मेरे पास 25-30 लाख रुपए हो, क्योंकि उनका मिनिमम फ्रेंचाइजी लेने का यही चीज है। ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, कोचेस उसमें ठीक रहते हैं, लेकिन उस एकेडमी में वही बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास 10-12,000 या 12 से 13 हज़ार 15 हज़ार का बजट हो, मिनिमम 10 हज़ार का बजट हो। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोशिश करें कि ऐसी बहुत सी एकेडमीज़ हैं जिसमें रणजी ट्रॉफी लेवल के कोचेज़ हैं या BCCI लेवल के कोचेज़ हैं, कुछ रणजी ट्रॉफी खेले हैं, कुछ खेले नहीं हैं लेकिन नॉलेज उनके पास अच्छी है, वो इजीली आपको किसी भी सिटी में 6,000-7,000 विथ हॉस्टल मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ 6,000 के आप ऊपर मिलेगा तो आपको अच्छी एकेडमीज विथ हॉस्टल मिलना स्टार्ट हो जाएगी सभी सिटीज़ में है। तो वो एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं पसंद आ रहा है प्रैक्टिस, तो काफ़ी हैं, जैसे अगर आप यूपी से हो तो आप लखनऊ जा सकते हो, मेरठ जा सकते हो, मुरादाबाद जा सकते हो, इलाहाबाद जा सकते हो, और भी सिटीज़, कानपुर जा सकते हो। यहाँ 7,000-8,000 रुपये पड़ेगा आपको, 7,000-8,000 रुपये पड़ेगा। और कुछ एकेडमी ऐसी हैं जो 6,000 में भी आपको अच्छी प्रैक्टिस विथ हॉस्टल दे देंगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो नहीं ज्वाइन कर सकते, आप एक दो पार्टनर वहाँ मिलेंगे खेलने वाले एकेडमी में, आप जाएंगे उनसे रूम शेयरिंग करके आपका और खर्चा बच जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस में 5,000 रुपये ही आ जाएगा,
अगर आप रूम लेकर रहेंगे, दो तीन बच्चे रहेंगे तो आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो आपका और बच जाएगा, क्योंकि एकेडमी की फीस मैक्सिमम 1500 होगी। तो उस टाइप की एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंटरनेशनल नेम का है और कोई नहीं खेला है, उसके पास नॉलेज अच्छी है, तो आप उसके पास ही जाइए। ऐसे बहुत से कोचेज हैं, आप वहाँ जाइए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, एक्स क्रिकेटर जितने भी एकेडमी चला रहे हैं वो कभी अवेलेबल नहीं होते। आप उनको कमेंट्री करते हुए अधिकतर देख रहे हैं और बाकी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अपनी एकेडमी में कितना टाइम देते होंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो सेटअप किए हैं उसमें कोचेज अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि उसमें कोचेज अच्छे नहीं होते। कोचेज अच्छे होते हैं, अगर आप अच्छे कोचेज के पास, अच्छा पैसा है आपके पास, तो आप इन एकेडमीज रहें, क्योंकि इनके पास मैच ग्राउंड भी अच्छा होता है और फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। क्योंकि 25 से 30 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करेगा वो फैसिलिटीज अच्छा आपको देगा ही। दूसरी चीज़ क्या होगा, लेकिन आपके बजट पे वो निकालेगा भी आप ही से, जो फैसिलिटी उसने इन्वेस्टमेंट की है ना उसका, वो आप ही से तो वसीलेगा, तभी उसकी रिकवरी होगी। तो आप 15,000-12,000 बजट बना कर चल आपके पास है, तभी आप इन एकेडमीज में, फ्रेंचाइजी बेस्ड एकेडमी में ज्वाइन कीजिए। और हाँ, आपके काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं एकेडमी से रिलेटेड, तो हमने सोचा अब एक दो सीरीज एकेडमी से रिलेटेड भी बना दिया जाए। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, किस सिटीज़ में आप एकेडमी चाहते हैं वो बताइए, उस पर भी हम लाएंगे कि कौन सी एकेडमी ऐसी है जो आपके लिए अच्छी पड़ेगी आपके बजट में। बजट और सिटी का नाम आप जरूर लिखें, जिस सिटीज में आप एकेडमी चाहते हो, हम बेटर सजेशन देंगे, अच्छा सजेशन देंगे। और अगर कोई और ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं, तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ जरूर हमारे साथ जुड़ें और आपका फीडबैक 100% जरूर दें कि आप कभी फ्रेंचाइजी बेस्ड एकेडमी में गए हैं या नहीं गए हैं और कितना बजट था, ये जरूर बताएं।